चलिए देखते हैं रेखा की इजी रेसिपी में क्या है। चिकन को हम छोटा छोटा पीसेस में काट लिया। अब इसके अंदर ढालेंगे हम 2 अंडा, अब छोटा एक टुकड़ा अदरक को हम पीस लेंगे। देखिए पीस लिया। अब हम चिकन के अंदर डाल देते हैं और लहसुन को हम इतना ही लहसुन किस लेंगे। देखिए देखिए लहसुन हमारा किस चुका है, इसको भी डाल देते हैं और इसको हटा देंगे। और चाहिए हमें हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, हाथों से अच्छे से मिला लेंगे इसको। 1/2 घंटे के लिए हम फ्रिज में ढक के रख देंगे। देखिए हमने अच्छे से मिला लिया। चलिए हमारा मसाला देख लेते हैं। देखिए 2 हमने छोटा साइज का प्याज लिया, 2 बड़ा साइज का प्याज लिया, 2 लहसुन हमने खड़ी मसाला में, देखिए इलायची, दालचीनी, लौंग, 1 बड़ा चम्मच लिया हमने जीरा, 1 चम्मच लिया हमने धनिया, 1 टुकड़ा अदरक। चलिए इसको हम पीस लेते हैं। मसाला हमने पीस लिया, देखिए गरम मसाला, धनिया, जीरा, लहसुन, अदरक, 2 छोटा साइज का प्याज को हम छोटा छोटा करके काट लिया, 2 बड़ा साइज का प्याज को हम बड़ा बड़ा करके काट लिया, तेज़पत्ता, लाल मिर्च और खड़ी मसाला। चलिए गैस पर चलते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हमने लिया सरसों का तेल, इसके अंदर डाल देंगे हमारे प्याज। प्याज को हम अच्छे से भूंज लेंगे। पानी हमने गर्म करने रख दिया, अब हम डाल देंगे तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इसको अच्छे से उबालने देंगे पानी को। प्याज को हम निकाल लेंगे। प्याज को हमने निकाल लिया, हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, प्याज, लहसुन का पेस्ट, जीरा का पेस्ट, धनिया, धनिया का पेस्ट, इसको हल्का भून लेंगे, अदरक का पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चिकन डाल देंगे। चिकन को हम बिना ढक के 5-7 मिनट बस पकाएंगे। चलिए हमारा चावल देख लेते हैं।
हमने आधा किलो घर का चावल ले लिया, ये बासमती चावल नहीं है और पहले से भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए दो तीन बार करके हम धो लेंगे इसको। चावल को हमने धो लिया, चलिए देखते हैं हमारे पानी में उबाल आ चुका है। अब हम चावल को डाल देते हैं। चावल को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 50% ही हम चावल को पकाएंगे। देखिए चलिए गैस को बंद कर देते हैं। चिकन को हम निकाल लेंगे। अब डाल देंगे हमारी चावल। अब डाल देंगे हमारी चिकन। प्याज अब चावल अब हम डाल देंगे बिरयानी मसाला। गरम मसाला प्याज आप डाल देंगे एक गिलास पानी। दस मिनट ढक के रख देंगे। दस मिनट हो चुका है, चलिए ढक्कन निकाल के देखते हैं। देखिए चलिए देखते हैं पहले नीचे पानी है क्या नहीं। देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह आप बिरयानी बनाएंगे तो आपका पूरा मोहल्ला में पता चल जाएगा। इसको हम देखिए चलिए बिरयानी को हम निकाल लेते हैं। देखिए लीजिए हमारी बिरयानी रेसिपी बनके तैयार है। आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नई है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए देखा ना इतना गल गया है।